ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुखू पर कसे तंज, बोले सुखू जो भी करे नहीं पड़ता कोई फर्क। दैवी शक्ति से होती है मौत, फिर उसी से होता है जिंदा, कायिका उत्सव में दिखता है ये चमत्कार। इलाके की खुशहाली के लिए मनाया जाता है कायिका उत्सव। देश के सभी आईआईटी में चलेगा 5 वीक इंडक्शन प्रोग्राम, आईआईटी मंडी से प्रभावित होकर एचआरडी मिनिस्ट्री ने लिया निर्णय। और फ्लशिंग के चलते पंडोर डैम से छोड़ा गया भारी पानी, लोगों से ब्यास नदी के किनारे न जाने का किया गया आह्वान। बग्गी नहर के लिए जाने वाली पानी की सप्लाई भी हुई बंद। बिना एकेडमी के ही शिमला जूडो एसोसिएशन की ओर से गुजरात में हुई ओपन नेशनल जूडो प्रतियोगिता में भाग लेकर 4 राज्यों को पटकनी देने वाली दीपा का बचपन भी दंगल की गीता व बबीता जैसा पीत रहा है। दीपा ने गुजरात में नेशनल जूडो प्रतियोगिता के दौरान चंडीगढ़, केरला, पंजाब, उत्तराखंड, अन्य कई स्टेट से जीत हासिल की है, परंतु घर की कमजोर स्थिति के कारण आगे बढ़ना अब उसके लिए मुश्किल हो गया है। दीपा सोलन के कुठार पंचायत की रहने वाली है। अपने स्कूल टाइम से ही दीपा जूडो कराटे के लिए जानी जाती थी। दीपा स्कूल के लिए भी कई बार जूडो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। नेपाली परिवार से संबंध रखने वाली दीपा के पिता रमेश लोगों की जमीन पर मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पोषण कर पाते हैं, लेकिन अब परिवार की गरीबी के कारण दीपा का जज्बा जंजीरों में जकड़ने लगा है। दीपा का भाई सूरज ही अपनी बहन को जूडो कराटे का हुनर दे रहा है। हालांकि सूरज व दीपा दोनों ही कुठार स्कूल के लिए गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, परंतु अब नेशनल खेलने के लिए एक अच्छी एकेडमी की जरूरत है, लेकिन परिवार की गरीबी को देखकर दीपा का सपना टूटने लगा है। दीपा को मलाल है कि अगर प्रदेश सरकार साथ देती है तो वे कड़ी मेहनत से भारतीय टीम का गौरव बढ़ा सकती है। और मैंने गुजरात में नेशनल खेला है जिसमें मैं चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और केरला से जीत कर सेमीफाइनल तक पहुंची थी, और उसके बाद मैं हरियाणा से हारी थी जिसमें। आगे भी बहुत अच्छा खेलना चाहती हूँ, बट यहाँ पे हिमाचल के अंदर मुझे कोई भी अच्छी एकेडमी नहीं मिल रही, जैसे कुछ भी एकेडमी नहीं मिल रही जैसे भी यहाँ पे, और मेरी फाइनेंशियली इतनी अच्छी नहीं है जो कि मैं चंडीगढ़ में जाके मतलब प्रैक्टिस कर सकूँ या कुछ और। तो मैं चाहूँगी कि अगर सरकार मेरी कुछ हेल्प करे और मैं और अच्छे से आगे खेल पाऊँगी और इंटरनेशनल तक जा पाऊँ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाऊँ। इन दिनों दीपा कुठाड़ में आईटीआई का प्रशिक्षण ले रही है। आईटीआई जाने से पहले सुबह 5 बजे से 7 बजे तक दीपा अपने भाई के साथ खेतों में प्रैक्टिस करती है। आईटीआई के बाद अपनी माता की मदद के लिए रसोई घर में खाना भी बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार 7 अगस्त को मनाया जाएगा। इस बार रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाने के लिए सिर्फ 2.5 घंटे का समय मिलेगा। दरअसल इस पावन दिन पर चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और भद्रा नक्षत्र का युग बन रहा है। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार 7 अगस्त को मनाया जाएगा। इस बार रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाने के लिए सिर्फ 2.5 घंटे का समय मिलेगा। दरअसल इस पावन दिन पर चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और भद्रा नक्षत्र का युग बन रहा है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करना अच्छा नहीं माना जाता है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इससे पहले 2005 में रक्षाबंधन के दिन ग्रहण पड़ा था। ज्योतिषियों का कहना है कि ये बेहद अशुभ संयोग है। ज्योतिष गणित के अनुसार 11:05 से लेकर 1:49 तक का समय रक्षाबंधन पर्व के लिए अति उत्तम है। इस बार रक्षाबंधन जो है मंडी शहर में हर वर्ष की शांति बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, और ये त्यौहार इस बार 7 अगस्त 2017 को आ रहा है। उस दिन पूर्णमासी है, और इसमें जो शास्त्रोक्त जो दृष्टि है ज्योतिष गणना के अनुसार, इसमें भद्रा का विचार करना बहुत जरूरी है, और भद्रा जब होती है तो उस दौरान रक्षाबंधन नहीं किया जाता। और भद्रा इस बार जो है 11:05 तक रहेगी, और 11:05 से लेके 1:49 तक का जो समय है वो रक्षाबंधन के लिए अति उत्तम माना गया है, क्योंकि उस दिन जो है चंद्र ग्रहण भी है उसी दिन है। तो 1:49 के बाद चंद्र ग्रहण लग जाएगा तो उस दौरान रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता, उस दौरान रक्षाबंधन को मनाना निषेध माना गया है शास्त्र की दृष्टि से। और ये जो है बड़े
बहुत पहले से ही हमारा जो देव संस्कृति है और इसमें जो है भगवान कृष्ण जी भी अपनी बहन को जो है राखी बांधते थे। और आपको पता होना है कि टाइम में जब भगवान कृष्ण जी ने राखी बांधी और उसी राखी की लाज के रखने के लिए उनकी बहन द्रौपदी ने उनको याद किया था। तो जब जब भी कोई बहन पे कोई आपदा आती है, कोई उस पर मुसीबत आती है, तो उसका भाई जो है उसकी रक्षा करने की एक ऐसा कंगन का बंधन है जिसके लिए भाई जो है अपनी बहन की रक्षा के लिए हर तरह तत्पर रहता था। और यही इसका पौराणिक मत भी है और आज की डेट में इस त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने की परंपरा है और ये शास्त्रोक्त है। एक और जहां बाजारों में कई तरह की राखियों की दुकानें सजना शुरू हो गई हैं, वहीं बच्चों में भी रक्षाबंधन के पर्व को लेकर खासी उत्सुकता नजर आ रही है। बच्चों का कहना है कि रक्षाबंधन का पर्व उन्हें अच्छा लगता है और वे इसे बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं। रक्षाबंधन पे भाई बहन के प्यार का एक प्रतीक होता है। इसमें बहन अपने भाई को राखी पहनाती है और इस वर्ष भी 7 तारीख को रक्षाबंधन आ रहा है। इस वर्ष भी हम उसे हर्षोल्लास से मनाएंगे। भाई बहन के प्यार का प्रतीक पारंपरिक त्यौहार रक्षाबंधन का पर्व देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है और इस पर्व को लेकर चारों तरफ उल्लास का वातावरण बना रहता है व घर परिवार में खुशी का माहौल होता है। मैं एक बात को बड़े गहराई से कहना चाहता हूँ। ये जो चाइना की जो राखी आ रही है अगर मार्केट में, वैसे तो मैंने देखी नहीं अभी, ये जो है पूर्णतया बंद होनी चाहिए नंबर एक, और इस पे जो है मतलब बैन लगना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं कि ये जो है ये राखी यहाँ या जो भी चाइना की आइटम है वो ना आए। इससे जो हमारे देश में मतलब जो हमारा पैसा है वो जा रहा है उनको, और वो जो हमारे से मतलब उस टाइम बहुत बड़ी शत्रुता रख रहा है, तो ऐसे में इनको चाहिए कि इस राखी को हर तरह से मतलब मार्केट में ना आए। और अब राखी के बाद अब दूसरी हमारे त्यौहार बड़ा दिवाली भी है, तो दिवाली पे उसकी लाइटें, उसके पटाखे, उसकी मोमबत्ती, जितने भी चाइनीज़ प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स को लेके है, चाहे दूसरे आम खेल के उसके खिलौने हैं, तो ये सारा जितना सामान है पीछे से ही मतलब बॉर्डर एरिया पे ही सील हो जाना चाहिए और वो ना आना चाहिए। इससे जो हमारा जो पैसा, हमारा देश का पैसा हमारे देश में लगे और हमारे देश के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी चाहिए कि वो अच्छा क्वालिटी का माल तैयार करें ताकि लोग चाइना की तरफ देखना ही बंद कर दें। वहीं संजीव शास्त्री का कहना है कि देश हित के लिए हमें चाइना से बनी वस्तुओं को नहीं खरीदना चाहिए और इनका बहिष्कार करना चाहिए और देश में बनी वस्तुओं व उत्पादों का ही इस्तेमाल करें। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। हिमाचल में मूसलाधार बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। मंडी के लड़भड़ोल तहसील के साथ लगते ममांड पंप हाउस के समीप सोमवार को लैंडस्लाइड हो गया था, जिसमें एक नेपाली मजदूर दब गया जबकि दूसरा खुद को बचाने में कामयाब रहा। हालांकि उक्त मजदूर के जिंदा या मरे होने के बारे में पुलिस के पास भी अभी कोई जानकारी नहीं है। कहा जा रहा है कि जब तक मलबा हट नहीं जाता तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वहीं मलबे में दबे नेपाली मजदूर को सुरक्षित बाहर निकालने की उम्मीदों पर बारिश बाधा बन रही है। 55 साल के नेपाली लाल बहादुर यहां मजदूरी का काम करता था। लड़भड़ोल में सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग के सहायक अभियंता डीसी रावत से हुई बातचीत में पता चला कि उठाऊ पेयजल योजना पीहड़ भेड़लू ममांड के लिए बने फिल्टर बेड में फिल्टर मीडिया का निर्माण निजी ठेकेदार द्वारा करवाया जा रहा है। उधर क्यास लगाए जा रहे हैं कि लैंडस्लाइड अभी भी और हो सकता है। बहरहाल राहत और बचाव कार्य में बारिश ने बाधा डाल दी है। मंडी पठानकोट NH 154 जोगिंदरनगर के पास लैंडस्लाइड होने के कारण अवरुद्ध हो गया। यहां पर सुबह पहाड़ से मलबा गिर गया। सड़क की बहाली में लोक निर्माण विभाग जुटा हुआ है। मार्ग के बंद होने से दोनों तरफ वाहनों की कतार लगी रही और सैकड़ों यात्री फंसे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल इम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल इम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। क्या
क्या आप विश्वास करेंगे कि किसी व्यक्ति को दैवीय शक्ति से मार दिया जाता है और फिर वही दैवीय शक्ति उसे चिंता भी कर देती है। विश्वास न करने वाली ये घटना 5 वर्ष में एक बार देव हुरंग नारायण के मंदिर में घटती है। मंदिर में 5 वर्षों के बाद कायिका उत्सव मनाया जाता है और इस उत्सव के दौरान ये सब कुछ होता है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में दैवीय शक्तियों के लिए कई ऐसे घटनाक्रम देखने को मिलते हैं जिन पर अमूमन विश्वास करना मुश्किल हो जाता है और इन्हीं घटनाक्रमों में से एक है कायिका उत्सव। यह कायिका उत्सव मंडी जिला के पत्थर उपमंडल के सुरहण गांव स्थित देव हुरंग नारायण के मंदिर में 5 वर्षों के पश्चात मनाया जाता है। दरअसल कायिका उत्सव खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है और स्थानीय लोग मानते हैं कि इस उत्सव से उनके इलाके की शुद्धि होती है तथा सुख शांति बनी रहती है। इसीलिए 5 वर्षों के पश्चात इसका आयोजन होता है। लोक आस्था के अनुसार यदि किसी से भूल से कोई पाप हो गया हो तो उससे मुक्ति भी इस कायिका उत्सव के दौरान मिल जाती है। इस प्रक्रिया को स्थानीय भाषा में छिद्रा कहा जाता है। यह इस उत्सव की कुछ मुख्य रस्में होती है जिन्हें मीडिया को कवर नहीं करने दिया जाता और न ही स्थानीय लोग अपने मोबाइल में इनकी कोई तस्वीरें उतारते हैं। जो किसी ने भूल भुलैया मतलब गलतियां की होगी उसी को भी मतलब माफ करते हैं, उधर छिद्रा करते हैं। और ऐसा है जो मतलब हमारे यहाँ पुराने रीति रिवाज है वो मीडिया वाले मतलब कैच करके लिंक लेके जाएंगे और ना भेजना है, तब तो कोई भी मतलब शोभा नहीं रही इस मेले की। जो गलतियां या किस तरह से निवारण करने के लिए मेला मनाया जाता है, हर पापों को हरण करना, इसीलिए ये मेला यहाँ मनाया जाता है। 3 दिनों के चलने वाले इस कायिका उत्सव का मुख्य आकर्षण 3रे दिन होता है। इस दिन देव हुरंग नारायण का रथ मंदिर से बाहर निकलता है और पूरे इलाके की परिक्रमा करता है। देवलू देवव्रत के साथ खूब झूमते और खुशियां मनाते हैं। इसके पश्चात शाम के समय जब दिन ढलने वाला होता है तो उस वक्त इस उत्सव की मुख्य रस्म निभाई जाती है। नर पंडित जाति के एक व्यक्ति का देवता की तरफ से चयन किया जाता है, फिर इस व्यक्ति को दैवी शक्तियों के द्वारा मूर्छित किया जाता है। माना जाता है कि मूर्छित करने के साथ ही उसकी मौत भी हो जाती है। उपरांत इसके मर चुके नर पंडित की एक शव यात्रा पूरे गांव में निकाली जाती है और इस दौरान जौ के आटे को हवा में उछाला जाता है ताकि कोई विघ्न बाधा न आए। उपरांत इसके शव को देवता के मंदिर में ले जाया जाता है और वहां पर देवता का पुजारी मूर्छित नर पंडित के कान में कहता है कि उसे देवता बुला रहा है और इसी के साथ मूर्छित हुआ नर फिर से जीवित हो जाता है। माना जाता है कि यदि नर पंडित कभी जीवित ना हो सका तो देवता की करोड़ों की संपत्ति उसके परिवार को दे दी जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम पर यहां आए हुए श्रद्धालु और देवता के पुजारी कैमरे पर कुछ नहीं बोलते और न ही इन घटनाक्रमों की रिकॉर्डिंग करने दी जाती है। मंडी जिला के वरिष्ठ लेखक बीरबल शर्मा इन घटनाक्रमों की पुष्टि करते हुए बताते हैं कि नर के मरने और जिंदा करने के तो कोई चिकित्सीय प्रमाण नहीं होते, लेकिन लोक आस्था के अनुसार ये सब गठित होता है। शाम के समय जब दिन और रात मिलते हैं उस समय देव शक्ति के साथ इसको जो है मूर्छित किया जाता है, जिसमें कहा जाता है जो लोक मान्यता है कि ये उस वक्त देव शक्ति से इसको मार दिया जाता है। फिर बाद में जब ये होश में आ जाते हैं, काफ़ी मूर्छित जैसे लगते हैं, तो उसके बाद जो है फिर से खुशी मनाई जाती है। ऐसा भी मान्यता है कि कई बार किसी इस तरह के कायके में यदि नर जाति का ये व्यक्ति जिंदा ना हो तो देवता की जितनी भी संपत्ति है, आमतौर पर इस करोड़ों की संपत्ति देवता की, तो सारी जो है इस परिवार को, इसके इनके परिवारों को दे दी जाती है। ऐसे नर को मारा जाता है, जिंदा होता है, इसके कोई ऐसे चिकित्सीय प्रमाण तो नहीं होते क्योंकि ये सब लोक आस्था से जुड़ा हुआ होता है। कायिका उत्सव में जो घटनाक्रम होते हैं उन पर आस्था के नाते ही विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में इन सब बातों पर विश्वास कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बता दें कि कायिका उत्सव मंडी और कुल्लू जिला के अन्य स्थानों पर भी मनाया जाता है। 5 वर्षों में एक बार मनाए जाने वाले इस उत्सव की शुरुआत देवता हुरंग नारायण के इसी मंदिर से होती है। आने वाले दिनों में मंडी जिला की चौहार घाटी में भी यही घटनाक्रम फिर से देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, केशन। पंडोर डैम में फ्लशिंग का कार्य किया जा रहा है और इस कार्य के चलते पंडोर डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं। पंडोर डैम से इस वक्त भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया है जिस कारण ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं बीबीएमबी ने पंडोर डैम से लेकर मंडी शहर और इससे आगे तक अलर्ट जारी कर दिया है। बीबीएमबी के अधीक्षण अभियंता आरडी सावा ने बताया कि फ्लशिंग का कार्य बुधवार देर रात तक जारी रहेगा और इस दौरान डैम का अधिकतर पानी नदी में छोड़ दिया गया है। पंडोर डैम की फ्लशिंग जो कि हमने प्लान करी है, आज और कल 2 दिन में ये पूरी करी जाएगी।
ये हमारा एक एनुअल फीचर है। इसके द्वारा क्या होता है कि हमारे रेजरवायर में जितनी भी सिल्ट जमा हुई हुई है उसको हम नीचे डाउनस्ट्रीम फ्लशिंग करके गेट खोल के नीचे की तरफ छोड़ते हैं, डाउनस्ट्रीम चली जाती है अप्रूव पॉन्ग डैम। तो इसके लिए हमने काफ़ी एक लंबा शेड्यूल होता है, हमारा अपना प्रोसीजर है। पहले हम पंडोर बग्गी टनल को जीरो करते हैं, फिर रेजरवायर लेवल को नीचे कर किया जाता है, उसके बाद ही वो प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके फिर हम इसको गेट खोलते हैं। वहीं बीबीएमबी ने पंडोर डैम से लेकर मंडी शहर और इससे आगे तक अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन के सहयोग से नदी किनारे आने वाली पंचायतों को सूचना भेज दी गई है ताकि कोई भी व्यक्ति इस दौरान नदी के पास न जाए। साथ ही बीबीएमबी ने पंडोर से मंडी तक एनएच के किनारे सायरन व्हीकल को भी चला रखा है जो लोगों को नदी के किनारे न जाने के लिए सचेत कर रही है। बीबीएमबी प्रबंधन और जिला प्रशासन ने लोगों से ब्यास नदी के किनारे न जाने का आह्वान किया है। और उसके लिए बकायदा हम जितने भी अलोंग द रिवर जो पॉपुलेशन होती है, गांव होते हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उनको बकायदा पहले से पूरा इन्फॉर्मेशन दी जाती है और हम वो भी करते हैं और हम अपने लेवल पे भी पूरा हमारा सिस्टम है लाउड स्पीकर के थ्रू यहां से लेके मंडी तक हम लोगों को पूरी चेतावनी देते हैं कि कोई भी आदमी या कोई भी माल डंगर पशु वो नहर जहाँ दरिया के आसपास ना जाए, ये खतरा हो सकता है। ये आजकल जैसे कि लोगों को बहुत आदत है कि दरिया में जाकर सेल्फियाँ लेने की, तो हम टाइम टू टाइम वैसे भी इनको लोगों को चेतावनी देते रहते हैं कि कभी भी ये दरिया के किनारे ऐसे काम ना करें। बता दें कि बीबीएमबी हर वर्ष बरसात के दिनों में पंडोर डैम की फ्लशिंग करती है। यह फ्लशिंग इसलिए की जाती है ताकि डैम में जमा हो रही सिल्ट को निकाला जा सके। इस कार्य के चलते पंडोर डैम से बग्गी नहर के लिए बने टनल को भी बंद कर दिया गया है। के चैनल के लिए पंडोर से देशराज ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नेहरू युवा केंद्र द्वारा 1 से 15 अगस्त तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है जिसका शुभारंभ ओम साई इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया गया। स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ नेहरू युवा केंद्र की समन्वयक ईरा प्रभात ने किया। मंगलवार को नेहरू युवा केंद्र द्वारा पैलेस कॉलोनी स्थित ओम साई इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन नेहरू युवा केंद्र की समन्वयक ईरा प्रभात ने किया। इस मौके पर ईरा प्रभात ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़े को हर ब्लॉक, जिला व गांव में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस पखवाड़े में स्कूल व कॉलेज के वॉलंटियर्स भी अपना सहयोग देंगे, साथ ही महिला मंडलों व अन्य मंडलों का भी इसमें सहयोग रहेगा। समन्वयक ने बताया कि युवाओं को जागृत करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है। नेहरू युवा केंद्र मंडी द्वारा 1 अगस्त से 15 अगस्त तक संपूर्ण स्वच्छता अभियान का शुभारंभ आज यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह के साथ शुरू हुआ। नेहरू युवा केंद्र का ये एक कार्यक्रम जो चाहे वो गांव है, ब्लॉक है या जिला है, हर स्तर पर इस कार्यक्रम को हम एक मुहिम के तौर पर कार्यक्रम करेंगे जिसमें स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी, हॉस्पिटल्स, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जो भी हमारे सार्वजनिक स्थल है या हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, उन पर स्वच्छता का कार्यक्रम हमारे वॉलंटियर्स द्वारा, हम आम पब्लिक के साथ मिल करके, स्कूल कॉलेजेस के विद्यार्थियों के साथ मिल करके हम इस कार्यक्रम को एक आंदोलन के रूप में करने जा रहे हैं जिसमें पंचायतें और एनजीओस, युवा मंडल, विशेषकर महिला मंडल और युवा मंडलों का हमें भरपूर समर्थन मिलने की उम्मीद है। और इस तरह के कार्यक्रम क्योंकि नेहरू युवा केंद्र ग्रामीण स्तर पर करता आ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये कार्यक्रम को 5 साल तक पूरा करने का टारगेट रखा है, उसमें हम युवाओं की पूर्णतः भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश। इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों को शपथ दिलाने के साथ ही स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। वहीं इस दौरान विद्यार्थियों ने भी स्वच्छता को लेकर अपने अपने विचार साझा किए। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।